नमस्कार, मैं इमरान हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। जनपद बिजनौर के धामपुर में दिव्यांग बच्चों की स्क्रीनिंग के लिए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर दर्जनों कार्यकत्री मौजूद रही। CDPO रीता देवी ने बताया कि ब्लॉक कासमपुर गढ़ी के डबाकरा हॉल में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का दिव्यांग बच्चों को पहचान के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें उन्हें बताया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री एक माह तक अपने अपने क्षेत्र में 0 से 5 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों की स्क्रीनिंग करेगी, जिनमें वो घर घर जाकर अभिभावक से दिव्यांग बच्चों की जानकारी लेगी, जिसके लिए उन्हें चेकलिस्ट दी गई है। दिव्यांग बच्चे की शारीरिक दिव्यांगता का समस्त विवरण चेकलिस्ट में भरा जाएगा, जिसे बाद में आंगनबाड़ी कार्यकत्री स्वास्थ्य केंद्र पर जमा करेंगी। चेकलिस्ट में उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से संबंधित दिव्यांग बच्चों का उपचार के लिए संबंधित निर्णय लिया जाएगा। प्रशिक्षण बिजनौर से आए विजेंद्र कुमार, उमेश कुमार, अर्जुन सिंह व मुकेश कुमार ने दिया। दिव्यांग बच्चों की पहचान का अभियान 1 माह तक चलेगा। देखिए अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता संगम चौहान की रिपोर्ट। आज आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के प्रति जो CWSN बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की स्क्रीनिंग हेतु प्रत्येक केंद्र पर इन बच्चों की पहचान के लिए जो चेकलिस्ट की दी गई है, इस चेकलिस्ट पर हमें काम करते हुए बच्चों की पहचान करनी है। पहचान कर इस लिस्ट को हमें अपने नोडल टीचर को प्रस्तुत कर अपने स्वास्थ्य विभाग में जमा करनी होगी। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।